हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो मैं उठ चुकी हूँ, रेडी भी हो चुकी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, विजय भाई की आज ऑफ है, तो हम लोग पापा के पास जा रहे हैं। तो वहाँ पापा के पास जाकर पता लगेगा ना कि क्या प्लान है, कहाँ घूमने जाना है। तो चलते हैं अभी मेट्रो की तरफ और पापा के पास पहुँचते हैं, फिर पापा से पूछते हैं कि कहाँ जाना है। गुड मॉर्निंग विजय भाई। और ये दुबई का मौसम, अभी सुबह के कितने बज रहे हैं? 10:30 बज रहे हैं। तो गाइस, पापा ने हम लोगों को जल्दी 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 कराया। अब हम जब पापा के स्टेशन पे पहुंचे तो पापा खुद यहाँ पर नहीं है और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं पापा के स्टेशन पर, पापा का वेट कर रहे हैं। हम लोगों को बुलाकर आप खुद यहाँ पर नहीं थे। राम, कहाँ जाना है? जहाँ वक्त ले जाए, जहाँ वक्त ले जाए। और मैं यहाँ बहुत देर से पहुँचा हुआ हूँ, मैं नीचे बैठा था। कैसे में बैठे थे? तो कहाँ जाना है पापा? आपके हम जाएंगे वही सतवा पे, मैक्स मेट्रो स्टेशन पे उतर के फिर आप बस पे बैठेंगे और सतपुर बस स्टेशन पे जाएंगे वहाँ पर। और वहाँ पर एक बहुत सा बढ़िया सा एक रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी, वहाँ हम नाश्ता करेंगे। अब इनकी मर्जी है कौन सा नाश्ता करना है, वो हलवा पूरी खानी है, पाया छोले खाना है। आ गई ट्रेन। बिल्डिंग दिखाती हूँ यार, ये कितनी प्यारी है। ये आपको कैमरे में बहुत छोटी लग रही है लेकिन ऐसे ये देखने में बड़ी है काफी। तो गाइज, अभी हम लोग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं जहाँ हमें नाश्ता करना है ना। यहाँ से मतलब यहाँ से अभी हमें मेट्रो से ख़त्म हो गया हमारा सफ़र, अब बस का सफ़र करना है। मेट्रो से ख़त्म हो गया झगड़ा हमारा, अब बस से सफ़र करना है। बस में तो बहुत रोना रो रो के बस चलती है, इतना ट्रैफिक होता है। तो गाइज, अभी हम लोग भाग रहे हैं बस के लिए। नहीं नहीं, वो बता है, इंतजार कर रहा है। पाकिस्तानी है ड्राइवर, मेरा ड्राइवर पाकिस्तानी। तो गाइस, बस से उतर चुके हैं और अभी नाश्ता करने जा रहे हैं। कहाँ है पापा नाश्ते का? ये यहीं पे है, ये सतवा मस्जिद है। ये सतवा मस्जिद है और यहाँ हम नाश्ता कर, इसके सामने एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ नाश्ता करने आए हैं। नजूद, नजूद, अभी और नाम बता दो। और दो सेक्शन बने हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ फैमिली एरिया। हाँ नाइस, जगह अच्छी है। हाँ अच्छी है। खाने से पहले आपको शुक्र अदा करना चाहिए मालिक का, भगवान का, अल्लाह का, जो कोई भी हो। और लेकिन से कोई नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। जब आप ये खा रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है सिर्फ इसी के लिए घर से बाहर निकलती है, फैमिली को या अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पेट लगा है जब तक ये भरेगा नहीं तो काम नहीं कर सकेंगे, आप सोच नहीं सकेंगे, कोई शक्ति आपके अंदर इतने काम नहीं करती है। जो योगी होते हैं, जो बैठते हैं उन करके वो करते हैं, लेकिन उनका दुनिया और उनसे बहुत खाना खाने से पहले आपको प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके लिए क्या होता है, एक आपका एनर्जी लेवल जो है एक्टिवेट होता है खाना खाने से पचने, दुआ करके खाना चाहिए। बहुत से लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर खाते हैं। बेस्ट खा रहे हैं।
पूरी खाने लगे और मैं खा चुकी हूँ, बहुत ही टेस्टी खाना था। चलो विजय भाई, थैंक यू। पूरी विजय, पूरी कुवत के साथ, पाए के साथ, जोर जबरदस्ती के साथ खाने लगे। कबड्डी खेलने के लिए तैयार बोल रहा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। और ये मेरी चाय। गाइस, पापा ने चाय, कश्मीरी चाय मंगाई है अपने लिए और हम नाश्ता कर चुके हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं, खा पी के तो मुझे और नींद आ रही है, तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। कहाँ घूमना है देख लो गाइस, इसके लिए नींद बहुत प्यारी है। सोचिए आप, कबीर साहब की वाणी सुनो सुनो के थक गए उसको, उठ जा। अरे मैं, अरे अरे मैं नींद से उठूंगी तो सुनूंगी ना। जो सो है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत। अरे पापा, जब मैं वाणी सुना रहा होता मैं सो रही होती हूँ तभी हम निकलते हैं, नींद आ रही है। ये हम बाहर आ चुके हैं, यहाँ हमने नाश्ता किया है, बहुत ही अच्छा खाना था, टेस्टी। वाओ, ये कितनी अच्छी डेकोर हुई हुई है ना। तो अभी हम जा रहे हैं, पापा कुछ शॉपिंग करते हैं थोड़ी। पेशेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, देख लो क्या लेना। यहाँ तो जूते ही जूते हैं, मुझे कुछ कपड़े भी, चप्पल भी चाहिए। चप्पल भी नहीं, आ जाओ देख लो। चप्पल नहीं है पापा यहाँ पर, किसी और बाजार से देखो जो मुझे देख अच्छा लगेगा उसमें देख लेना। मेरा शूज, मैंने एक शूज ले लिया है, एक चप्पल भी ले लूंगी बस, फिर इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी। मैं वहाँ जाकर बहुत ज्यादा शॉपिंग करूंगी, पाकिस्तान जाकर। मैंने सोचा अगर मैं दरहम को दरहम में ही खर्च करूंगी तो मैं अपना नुकसान करूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से धर्म लेकर पाकिस्तान जाऊंगी तो वहाँ मुझे ज्यादा 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 चीजें खरीद सकूंगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये बात तो ये मैंने थोड़ा दिमाग चलाया है। इसको दिखाओ, ये बेचारा क्यों थक गया बैठे है। असली लग रहे पापा। विजय भाई, अगर नहीं निकलाना तो फिर आप 10 दरहम दोगे मुझे। ये वाला गेम खेलने लगे हैं। चलो चलो पापा, पहले यहाँ फिर कोने में, पापा खत्म हो जाता है ये। किस किस में जाना है? कहीं भी कैंगरू, कैंगरू ले लो पापा, कैंगरू जल्दी, कैंगरू पीछे करो। हाँ हाँ पापा, नीचे करो, नीचे करो, आ जा, आना चाहिए ये। देखा मैंने बोला ना, हाँ। और ये सही से बंद भी नहीं होता है। हाँ एलिफेंट, ये गेम मुझे बहुत ही फजूल लगता है और ये बिल्कुल फेक गेम है। गाइस, अभी हम नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन पे उतर चुके हैं, जहाँ से अभी हम गए थे नाश्ता करने, वहीं से अब हम दोबारा आ गए वहीं पे, अब दोबारा मेट्रो लेंगे फिर दुबई मॉल जाएंगे। दुबई मॉल में कितना चलना पड़ेगा? तो गाइस, हम बुर्ज खलीफा दुबई मॉल पहुंच चुके हैं। दुबई मॉल पहुंच के तो खुशबू ही अलग से आ रही है। और यहाँ मुझे पता है बहुत रश होगा। बुर्ज खलीफा, ये रहा बुर्ज खलीफा। कैमरे तक में नहीं आ रहा, सब यहाँ पिक्चर्स बना रहे हैं। गाइस, हम फाइनली दुबई मॉल में आ चुके हैं।
मॉल एंटर कर लिया है और हाँ क्लोज किया है शायद नमाज पढ़ाने और सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर लाइक मी। ये मिरर है, मिरर में देख लूँ मैं आ रहे हैं अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वही मॉल में जा सकते पर टीवी का एक सेशन बनाया हुआ है और नीचे एक स्क्रीन टाइप पे चल रहा है ये दिस इज गाइस दुबई मॉल। यस yes, जल तो रही है आपने देखा नहीं है वो नीचे लाइट चेंज हो रही है पापा। स्क्रीन चल रही है बेटा सो गाइस हम लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं शॉर्टकट में या मैं इन लोगों को आगे से लेके जाता हूँ ताकि ये जा सके ठीक है गाइस मैं आपको दिखाता रहूंगा मेन मेन जगह घूमो फिर बना लेना ये तो रुक रही नहीं है बेटी सानी ये और भी लोग बैठे हैं वहां पर रेस्टोरेंट भी है वाह सानी हम 8 के बाद में बनाएंगे जल्दी से यहां से आइए ओके तो साने जी मैं पिक्चर बना रहा हूँ थोड़ा द लाइव डेमो दे रहे हैं भाई योगा के लिए फ्लेक्सिबल जिमनास्टिक्स दिखाइए स्टारबक्स ये आपको मैं लिफ्ट दिखाती हूँ ये इसके अंदर जाएंगे फिर ये घूमकर वापस आ जाएगी ये जा रही है ये बंद हो रही है गेट बंद हो रहा है और ये यहाँ से खुल गया बुर्ज खलीफा का है ये रहा जी बुर्ज खलीफा ओह माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल और पिक्चर स्पॉट्स दिखाती हूँ आपको ये हार्ट वाला पिक्चर स्पॉट गाइस मुझे लगा था फाउंटेन 4 बजे स्टार्ट होगा लेकिन ये अभी हो गया चलो बाकी फाउंटेन देखने चलते हैं विजय भाई यहाँ आएगा यहाँ यहाँ यार इधर से आओ बेटा अभी हम एक जगह आए हैं बहुत प्यारी है ये पापा भाई जो है अंग्रेजों का अंग्रेज होने का फायदा उठाते और उनको गालियां देते हैं बहुत गंदी गंदी अभी एक लड़की है वो कब से पिक्चर्स खिंचवा रही हट नहीं तो उसको गालियां दे कमीनी की देर से देर होगी बट रही नहीं है सब अपनी पिक्चर्स बनवा रहे हैं सब ये पापा अपनी पोटली में से टोकरी में से खाने निकाल निकाल के बच्चों को बांट रहे हैं जो है ना टोकरी में से निकालती थी ठंडा पानी मामा बैग में से ठंडा पानी बैग में से निकाल खाने के लिए मैंने इसको
गिव अवे गुआवा गुआवा दिया है और मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, थक गई है अभी तो, और चलना बाकी है। क्या देखो इस वजह से मैंने बोला था आपको कि जल्दी जाना चाहिए, लेकिन आई एम एंजॉयिंग, धूप इतनी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा सा मौसम है, ज्यादा गर्मी नहीं है, थोड़ा ठंडा गर्म जैसे अच्छा मौसम है। हाँ इतनी ज्यादा धूप नहीं है, गर्मी खैर नहीं है, तो अभी हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं फिर दूसरी जगह घूमने जाएंगे। कितना प्यारा प्यारा लग रहा है, बहुत धूप है यार, बहुत धूप है। मिरेकल गार्डन से वैसे ही काली होकर आई थी, सुबह जल्दी आते तो मीठी धूप होती है, इतनी ज्यादा कड़वी धूप, खट्टी हो मीठी हो धूप धूप होती है पापा, टाइम टाइम होता है ना। अभी हम एक पिक्चर स्पॉट पर आए हैं इस वाले पर, और यहाँ ऑलरेडी इतनी रश है, लाइन लगी हुई है पिक्चर के लिए, सीरियसली यहाँ सब विंग्स के साथ तस्वीर के जा रहे हैं, और वो बच्चा कैसे देख रहा है, अरे बाबा क्या करोगे इतना तस्वीर खिंचाकर, सारे पापा के परे उड़ रहे हैं आज तो, कुछ परिया भी है कुछ परे भी है, पापा की परिया पापा के परे, विजय भाई आप कौन हो पता नहीं पापा के परे हो नहीं मैं या पापा के तोते हो, अपनी मम्मा का परा, पापा के तोते हो, अपनी मम्मा का परा, पापा का नहीं मैं मम्मा का परा, और मैं पापा आपकी क्या हूँ, परी हूँ परा हूँ, उड़ के दिखा फिर बताऊंगा, या कबूतर हूँ जी, या चिड़िया हूँ, आप तो बहुत क्या बोल सकते, रेली वो देखो उड़ा दिया पापा की परी, ये होता है ना पोज भाई, उसकी गर्दन आ रही है, बहुत क्यूट लग रहा है। तो गाइस विंग्स पर पिक्चर हो चुकी है और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, वो देखो यहाँ दुबई का फ्लैग लहरा रहा है, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। गाइस अभी हमें यहाँ शाहिद अनवर मिले हैं, आएंगे वेरी वीडियोस टू यू, और आप लोग सोच रहे होंगे दीदी हमारे साथ क्यों नहीं है, दीदी जॉब पर है, उसकी ऑफ कल थी थर्सडे को, आज फ्राइडे को विजय भाई की ऑफ होती है, तो इसलिए दीदी हमारे साथ नहीं है, और जब दीदी की ऑफ होगी संडे फ्राइडे तो हम सब फिर साथ जाएंगे, आज दीदी हमारे साथ नहीं है, वो हम जरूर दिखाएंगे। और ये बस कितनी प्यारी जगह है, आप ये देखो सो ब्यूटीफुल। तो गाइस ये अभी हम लोग घूमते हुए आ गए हैं विंग्स से, हमने पिक्चर बना ली है, और सानिया बड़े म्यूजिक को एंजॉय करते हुए जा रही हैं, और मिस्टर विजय वाह दोनों। तो सानिया आप 2018 में आई थी और दोबारा आने का मौका मिला, आपको कैसा लग रहा है? इंटरव्यू मेरा जी, इनका इंटरव्यू लेना है, आप बताइए आपको कैसा लगा 2018 के बाद अभी आने के लिए? 2018 में जब मैं आई थी मैं बहुत छोटी थी, मैं 13-14 साल की होंगी तब, बहुत छोटी थी, इतना सेंस नहीं था, लेकिन अभी हर चीज को ऑब्जर्व कर रही हूँ, बिल्डिंग्स को, यहाँ के एनवायरनमेंट को, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी हम पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, आ रही है ये और अभी उतर कर आ रही है, देखो ये क्या था, थकने का नाटक, थकने का नाटक देखिए इसका जरा, ये थक गई है चल चल के, घूमना भी है और फिर थक भी जाना है, कैसे हम हैं जी, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, पहिया 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 पहिया, ओके 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 ओके, ए किस तरह बैठने के लिए, ये बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं कि जिसको अगर देखते देखते यूं टाइम लग जाए ना तो वो उसको ठोकर लगे तो समझ में आए वो रोड पे नीचे चल रहा है, देखते देखते ये देखो, चलते चलते मैंने देखा कि मेरे सामने क्या है, मेरे सामने बुर्ज खलीफा है ए, बहुत बड़ा है भाई ये, बहुत बड़ा। आनिया पूरे तरीके से थक चुकी है
बहुत ही अब जूता हर्ट करने लगा है गाइस, इसकी हालत पतली हो गई है अभी, इसके पाँव में जूता जो है ना कुर कर रहे हैं, और इसको ज्यादा नहीं चलाना है क्योंकि इसका वेट वैसे ही बहुत कम हो गया है, खाना कम है इसका। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं गाइस, ये एक्वेरियम के पास हम लोग आ गए हैं। एक्वेरियम चल रही है वो। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ जैसे कि आप लोग को देखने से लग ही रहा होगा। सो आपने देखा मैंने दुबई मॉल घूमा, आधा घूमा, पूरा तो नहीं लेकिन जितना भी घूमा आप लोगों को भी अपने साथ घुमाया, और मे बी मैं वापस जाऊं तो और भी चीजें दिखाऊंगी। तो कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स, और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।